खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। की बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि हमारे इस शो में देश भर के हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपने अपने राज्यों का हाल हमें बताएंगे। पूरे दिन क्या होने वाला है, किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की, या फिर कोई और, हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे हमारे रिपोर्टर्स। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे करेंगे आज बातचीत। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी अपने रिपोर्टर्स से जानेंगे। तो चलिए सीधा रुख करते हैं अपने रिपोर्टर्स का। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीकांत प्रत्यूष, रेजिडेंट एडिटर हैं बिहार से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमोहन हमारे साथ छत्तीसगढ़ की खबरों को लेकर जुड़ेंगे। साथ ही साथ अरविंद पलावत राजस्थान में जिस तरह से सियासी घमासान चल रहा है उसका ब्यौरा हमें देंगे। साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ होंगे पंकज चतुर्वेदी, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आज कौन सी बड़ी खबर पर फोकस बना रहेगा। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं पंकज चतुर्वेदी का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। पंकज, जिस तरह कल विधानसभा के बाहर एक मां और बेटी ने आत्मदाह करने की कोशिश की थी, फिलहाल किस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है, किस तरह की फिलहाल उनकी स्थिति बताई जा रही है और बाकी की क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं? देखिए, अमेठी की रहने वाली कल दो महिलाएं अपनी समस्या को लेकर के, जमीनी विवाद था पड़ोसियों से, उस समस्या चूंकि जिला प्रशासन हल नहीं कर पाया तो लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय के पास पहुंची। फिलहाल उनको मुख्य भवन में एंट्री न मिलने की वजह से आहत हुई और आत्मदाह कर लिया। हालांकि करीब 80-90% एक महिला जली हुई, जबकि दूसरी महिला 40-50%, दोनों का सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुलिस के बड़े अधिकारी ने अमेठी की जिला प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांगी है। वहाँ के आईजी रन चुके अयोध्या पड़ता है, आईजी जोन, वहाँ से रिपोर्ट तलब की गई है। लेकिन वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे, दरोगा थे और बीट के दो सिपाहियों को वहाँ के एसपी ने निलंबित कर दिया है और जांच रिपोर्ट बैठा दी है। फिलहाल उनका इलाज चला है, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लोक भवन सभी लोगों के लिए बनवाया गया था, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन जिस तरीके से कल घटनाएं घटी उससे जाहिर हो रहा है कि सरकार भेदभाव कर रही है। उनका निशाना था, चूंकि दोनों जो मुस्लिम महिलाएं थी, आत्मदाह किया था, जिनकी समस्या का हल नहीं था, उन्होंने एक तरीके से इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। अखिलेश यादव इसके जरिए सरकार पे हमला बोला है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कल टोटल 1700 से ज़्यादा केस आए, जबकि एक दिन पहले 2000 से ज़्यादा केस आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है चिंता की कि लखनऊ, जहां पे सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हेड ऑफिस है, वहां कोरोना संक्रमित कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल होता जा रहा है। स्थिति यह है कि 150 और 200 के बीच में रोज लगातार प्रतिदिन से देखा जाए तो करीब एक सप्ताह से ज़्यादा ये आंकड़े निकल रहे हैं। और कई ऐसे एरिया थे जहां पर कल लॉकडाउन लगाने के लिए डीएम ने ऐलान किया, लेकिन चूंकि लॉकडाउन को लेकर के फिर फैसला नहीं हो पाया, अब उस क्षेत्र में बड़े स्तर पे कंटेनमेंट जोन बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा लखनऊ में चूंकि हॉस्पिटल की कमी हो गई है, ऐसे में आनंदी वाटर पार्क, हज हाउस, सत्संग भवन सहित कई प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी सरकार ने ओवरटेक किया है। लेकिन हज हाउस और सत्संग भवन सरकार ने इलाज करेगी यानी मुफ्त होगा, जबकि आनंदी वाटर पार्क या जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें एक निर्धारित शुल्क रखा है और साथ ही अपने भोजन की व्यवस्था का भी वहाँ मरीज को करना होगा, आनंदी वाटर पार्क को। इसके अलावा 5 होटलों को भी सरकार ने आइसोलेशन के रूप में तब्दील किया है, जो बे के आधार पर वहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं। तो एक बड़ी स्थिति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, और यही हाल गाजियाबाद, मुरादाबाद, खासतौर पे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर की भी। लगातार जो कोरोना संक्रमित के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल एक और चीज़ बैठक में की कि एक कमांड सेंटर बनाया जाए हर जिलों में, जहां से एम्बुलेंस, किसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तत्काल उसको 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, क्योंकि लखनऊ में इस तरीके की व्यवस्था है, इसको पूरे प्रदेश में लागू करने की बात की है। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से अयोध्या से है, जहाँ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट तीर्थ राज की जो आज बैठक है उसमें निर्णय लिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री अगस्त के पहले सप्ताह में अयोध्या
मंदिर का भूमि पूजन करके कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। काफी दिनों से संतों की मांग थी, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के पहले भी तैयारी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऐसे कार्यक्रम पे रोक थी। लेकिन अब जब चीजें सामान्य हुई है तो चिट्ठी भी लिखी गई थी पिछले दिनों, चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव वो लेकर के गए थे, लेकिन अभी उधर से कोई पीएमओ से हरी झंडी नहीं मिली। लेकिन आज चूंकि मंदिर निर्माण के समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा, मंदिर निर्माण के सुरक्षा सलाहकार के साथ साथ जो ट्रस्ट के सचिव या अध्यक्ष, उन सभी के साथ बैठक होगी और ये संभवतः आज की माहौल लग सकती है कि प्रधानमंत्री अगस्त के पहले सप्ताह में अयोध्या आकर के या वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन कर सकते हैं। तो इसको लेकर के आज बैठक हो रही, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने भी अयोध्या के विकास, वहां के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वहां की सड़क मार्ग को, वहां की पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक न हो उसको लेकर के कल बैठक की थी। और वहां के जिलाधिकारी, चूँकि अयोध्या के और शासन के जो पर्यटन विभाग के थे, सांस्कृतिक विभाग के थे, धार्मिक विभाग के साथ साथ प्रमुख अपर मुख्य सचिव सूचना भी मौजूद थे, तो इसको लेकर के लगातार अयोध्या में आज जो बैठक है उस पर एक बड़ा निर्णय फिर से लिया जा सकता है और प्रधानमंत्री को आमंत्रण पर भेज करके पीएमओ से डेट को लेकर के बात की जा सकती कि प्रधानमंत्री किस डेट में अयोध्या के इस कार्यक्रम में सम्मेलन, खास करके मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का जो शुरुआती दौर है उसमें कैसे शामिल होंगे, क्योंकि संतों की काफी दिन से मांग है कि प्रधानमंत्री आए। दूसरी तरफ वर्चुअल रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आज एक दर्जन से ज्यादा रैली करेगी। अभी तक सभी दल जरूर शांत बैठे, अपने अपने कार्यकर्ताओं से जरूर, चाहे प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव ने बात की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 100 से अधिक उत्तर प्रदेश में वर्चुअल रैली कर चुकी है और आने वाले समय में जो पंचायत का चुनाव है, जो लोकल बॉडी का स्थानीय निकाय चुनाव है, फिर आने वाले समय में जिला MLC का जो लोकल बॉडी से चुनाव होता है, उस सब की तैयारियां शुरू कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी, लॉकडाउन जरूर है, कोरोना संक्रमण की वजह से लोग बड़ी रैली नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव मिशन में बीते एक महीने से जुटी हुई है और सभी पार्टियों से उत्तर प्रदेश में वो आगे निकलती दिख रही है। मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर बाद आपात एक बैठक चुकी हुआ कोरोना को लेकर के बुलाने जा रहे हैं, उसमें वर्तमान स्थिति को लेकर के बैठक करेंगे, क्योंकि लगातार स्थिति बढ़ती जा रही है। साथ ही 3000 से ज्यादा आज से गरीब और दलित परिवारों को भी आज धनराशि हस्तांतरण किया जाएगा पंडित दीनदयाल ग्राम स्वरोजगार के तहत, जो अपना व्यवसाय कर सकेंगे उसको लेकर के भी थोड़ी देर पे पांच कालिदास आवास पे एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी पंकज आपकी तरफ से दी गई है। कोरोना का संकट तो लगातार बना हुआ है, लेकिन बीजेपी किसी भी तरह से आने वाले चुनावों को लेकर पीछे नहीं रहना चाहती है और जिस तरह से स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है, ई रैलियां लगातार की जा रही है और काफ़ी एग्रेसिव मोड में बीजेपी जनता के साथ जुड़ रही है। जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री काफ़ी एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार यही की जा रही है कि तमाम सुविधाएं दी जाएं ताकि कोरोना का जो संकट है उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन राम जन्मभूमि की जो आज बैठक होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसी पर नजर बनी रहेगी। पंकज आप नजर बनाए रखिएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में किस तरह का सियासी हलचल अब देखने को मिल सकता है उसका जायजा ले लेते हैं। मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनमोहन, अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी, राजस्थान में भी सियासी संकट हम देख रहे हैं, अब जो खबरें आ रही हैं सियासी गलियारों से, छत्तीसगढ़ में भी अब बीजेपी यही दावा कर रही है कि भूपेश बघेल की जो सरकार है उस पर भी अब उनमें से भी कोई एक ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर एक सचिन पायलट निकल सकता है। आखिर किस बेसिस पर यह दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए अंशु, आपने सही कहा, छत्तीसगढ़ में भी यह अटकलें लगाई जा रही है, बीजेपी यहां पर दावा कर रही है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कल ही एक बयान दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में भी एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक सचिन पायलट जल्द होंगे और छत्तीसगढ़ में कलह जारी हो रहा है और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी में एक अंदरूनी मामले देखे जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द कुछ न कुछ यहां पर राजनीति गलियारों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल के
बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल हसीन सपने देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये जो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मामलों को लेकर, राजनीति को देकर भी छत्तीसगढ़ में लगातार राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय बना है। इन दिनों कल ही दो दिन पहले यहाँ पर निगम एवं मंडल में नियुक्तियां हुई और निगम एवं मंडल में नियुक्ति होने के बाद यहाँ पर जो कद्दावर मंत्री रहे हैं पूर्व में और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, अमितेश शुक्ल हैं, सत्यनारायण शर्मा हैं और धनेंद्र साहू, इनको कहीं पर जगह नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं इसे लेकर ही यहाँ पर बीजेपी निशाना साध रही है और इसे लेकर ही वो कयास लगा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो सीएम है, इस पूरे मामले को लेकर सिरे से खारिज कर दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सब संतुलन होकर पार्टी चल रही है और यहाँ पर कुछ भी ऐसी राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसे हालत नहीं देखे जाएंगे। और उन्होंने यहाँ पर साफ कह दिया कि जो बृजमोहन अग्रवाल हैं वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना का जो आंकड़ा है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हम दो दिन की बात करें तो दो दिन पहले यहाँ पर 180 पहुंचा था और अब 200 पहुंच गया और अब 200 के पार पहुंच गया है। अब छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के मामले में अन्य राज्यों से यहाँ पर टक्कर दे रहा है और छत्तीसगढ़ में आगे चलकर कोरोना का जो रूप है वो भयावह हो सकता है, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा भी यहाँ पर 24 पहुंच चुका है और अब तक जो प्रदेश भर में संक्रमितों की आंकड़ा 4,976 है। तो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, जिसके लिए काफी मुश्किल है जी। और अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, कल ही यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए और जो सीएम बघेल के महती योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं जो गौठान समिति में किस तरीके से गोबर खरीदी जाएगी, इस पूरे मुद्दे को लेकर कलेक्टर को निर्देश दिए। चूंकि अभी हरेली त्योहार के दिन से यहाँ पर गोबर खरीदनी है गौठानों में, तो यहाँ पर जो गौठान समितियों के लिए भी यहाँ पर निर्देशित किया किस तरीके से गौठान समिति में जो संगठन के लोग वहाँ पर बैठे हैं और किस तरीके से क्रियान्वयन हो। और यहाँ पर जो गौठान समिति है, गौठान समिति के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली, प्रत्येक गौठान को यहाँ पर 40,000 रुपए की यहाँ पर राशि मिलेगी, जिससे वो वहाँ के जो गौठान समिति को क्रियान्वयन करेंगे और किस तरीके से गोबर खरीदेंगे। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के पास जो नेता प्रतिपक्ष है धरमलाल कौशिक जाकर मिले हैं और उन्होंने राज्यपाल को अवगत करवाया है कि प्रदेश की जो भूपेश बघेल की सरकार है वो बदलापुर की राजनीति कर रही है एवं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। तो ये तमाम राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय बना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जिस तरीके से कोरोना के संकट से जूझ रहा है और कोरोना के संकट के समय ही यहाँ पर राजनीति उठापटक देखी जा रही है, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के जो राजनीति चल रहे उसे भी लेकर यहाँ पर टीका टिप्पणी चल रही है और बीजेपी यह कयास लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर उठापटक होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इस तरीके से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जी। ठीक है मनमोहन, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से दी गई है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी उसके बाद अब जिस तरह से राजस्थान में सियासी घमासान चल रहा है, ऐसे में बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में भी अब भूपेश बघेल की जो सरकार है उस पर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। आपको हर पल का अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, बाकी की खबरें जानेंगे अपने रिपोर्टर से कि क्या कुछ होने वाला है बिहार में और किस तरह की राजनीति बिहार में गर्माती नजर आ रही है, रिपोर्टर से जानेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। चलिए श्रीकांत प्रत्यूष रेसिडेंट एडिटर बिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। श्रीकांत, जिस तरह से जो एलजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, अब वो काफी एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं आगामी चुनावों को लेकर, और साथ ही साथ जिस तरह से तेजस्वी यादव हैं उनके सुर भी अब कुछ हद तक चिराग पासवान के साथ अब मिलने लगे हैं, क्या मायने इसके निकाले जा सकते हैं और आज बिहार के राजनीतिक गलियारों में किस तरह की हलचल देखने को मिल सकती है? देखिए, चिराग पासवान काफी तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार को लेकर, और दो दिन से जो राजनीति चल रही है गोपालगंज के सतरघाट महासेतु पुल को लेकर, उस पर उन्होंने हमला बोला है नीतीश कुमार पर और कहा है कि आपका जीरो टॉलरेंस का जो करप्शन का मुद्दा है उस पर सवाल उठने लगे हैं। तो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर दिया है। नीतीश कुमार का जो क्रेडेंशियल है वो ऑनेस्टी है और उस पर ही उन्होंने चोट किया है। तो चिराग पासवान के तेवर तल्ख हैं और वो लग रहा है कि इतना ज़रूर स्कोप बना देना चाहते हैं कि जब चाहें वो महागठबंधन के साथ चले जाएं और चाहें तो एनडीए के साथ भी बने रहें। तो एनडीए के साथ तभी बने रहेंगे जब उनको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी,
पिछले विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ है तो उतनी सीटें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन 35-36 से कम सीटें मिलेंगी, तो चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये संकेत दे रहे हैं। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की घेराबंदी में जुटे हैं, उसी तरह से चिराग पासवान भी मौका कोई नहीं गंवाते नीतीश कुमार पर हमले का, और इसको लेकर खटास बढ़ती जा रही है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले लग रहा था कि चिराग पासवान केवल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से वो लगातार नीतीश कुमार पर निशाने साध रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, केवल प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। तो अब आने वाले दिनों में क्या फैसला लेंगे, तो जब फैसला लेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, कोरोना संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ गया है बिहार में। कल एक दिन में 1741 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, और उसके साथ ही सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं, और अब जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसके साथ साथ बिहार के सरकारी अस्पतालों की कुव्यवस्था भी उजागर हो रही है। अभी एक तस्वीर आई है भागलपुर से, जहां पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बिजली गुल हो गई तो वेंटिलेटर बंद हो गया और उस वजह से एक महिला की मौत हो गई। तो ये बड़ा सवाल उठाता है कि सरकारी अस्पतालों में राम भरोसे मरीज छोड़ दिए गए हैं। पटना के एम्स से भी तस्वीर आई कि वहाँ पर कोरोना मरीज को भर्ती लेने के लिए तैयार नहीं है अस्पताल प्रबंधन। पटना के पीएमसीएच से जेडीयू के नेता ने फेसबुक लाइव आकर अस्पताल की पोल खोली और कहा कि यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, इलाज की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और उस जेडीयू नेता के जीजा की मौत हो गई थी और उससे वो बौखलाए हुए थे और उन्होंने पीएमसीएच की ही पोल खोल दी। तो जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं स्वास्थ्य महकमे से, वो हिला देने वाली हैं, और लगता है कि अब कोरोना से बचने का एक ही रास्ता है कि आप घर में रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, नहीं तो अगर हालत ख़राब हुई, अस्पताल जाने की नौबत आई तो स्थिति और विकट हो सकती है, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बेड कम पड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों से धैर्य रखने का की अपील की है और कहा कि धैर्य रखिए, सरकार अपना काम कर रही है और बहुत जल्द ही इस पर हम काबू पा लेंगे। तो अब जो कोरोना सैंपल है उसकी संख्या बढ़ाने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। अभी 10,000 सैंपल की जांच हो रही है, उसमें से 1500-1700 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। अगर इसको एक आधार मान लिया जाए तो बिहार में संक्रमित लोगों की संख्या करोड़ों में जा सकती है। ठीक है, बिहार में 30 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर लौटे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। तो एक तरफ कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं सियासी गलियारों में भी हलचल उतनी ही तेजी से बढ़ रही है, लेकिन राजस्थान में जो सियासी हलचल इन दिनों देखने को मिल रही है वो काफी हैरान करने वाली है, और काफी हर रोज एक नया अपडेट वहां से सामने आ रहा है। राजस्थान से अरविंद पलावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अरविंद, जिस तरह से अशोक गहलोत की अगर बात की जाए तो हर दिन नए खुलासे वो कर रहे हैं कि बीते 6 महीनों से लगातार सचिन पायलट जो है वो बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन विधायकों से साथ नहीं मिला। अब जिस तरह से अपडेट्स लगातार हर दिन नए सामने आते जा रहे हैं, कल एसओजी की जो टीम थी वो भी विधायकों को ढूंढने गई थी, उनसे बातचीत करने के लिए गई थी लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। आज किन-किन चीजों पर नजर बनी रहेगी और क्या कुछ अब तक का अपडेट सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए जो राजस्थान में सियासी घमासान चल रहा है तो ऐसे स्थिति में जो एसओजी की टीम है वो कल वहां पहुंची थी मानेसर, और मानेसर में जो आईटीसी होटल है वहां पर उन्होंने सर्च किया लेकिन कोई भी विधायक उन्हें वहां नहीं मिला, इस चीज की जानकारी है वो यहां मिल रही है। और बताया जा रहा है कि होटल में जो मेन एंट्री गेट है उसके अलावा 3 और गेट है और हो सकता है कि वहां से जो विधायक है उनको बाहर निकाला गया हो। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं हरियाणा की जो भाजपा सरकार है उनका सपोर्ट जो विधायक है उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जिस संजय जैन नामक व्यक्ति से बातचीत हुई है उस संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि संजय जैन पहले जो यूथ कांग्रेस है उसका ब्लॉक अध्यक्ष रह चुका है और अब भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता है उनसे उसका अच्छा संपर्क है। कई ऐसी फोटोज भी उसके सामने आई है। तो इस तरह से राजस्थान का जो सियासी संग्राम है वो लगातार तेज होता जा रहा है और राजस्थान की सियासत लगातार उबाल पर है। तो वहीं हाईकोर्ट ने एक रिलीफ जरूर सचिन पायलट खेमे को दी है कि सोमवार सुबह 10 बजे तक सुनवाई टाल दी है। वहीं महेश जोशी की ओर से जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था कि उन्हें भी पार्टी बनाया जाए, क्योंकि जो पूरा जो मामला है जिसमें नोटिस जारी किए गए हैं वो उन्हीं की शिकायत पर हुआ था।
महेश जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत दी थी और उसके बाद में एक जो नोटिस है वो सभी 19 विधायकों को जारी हुआ था। ऐसे में उन्होंने खुद को पार्टी बनाने की बात यहां पर कही थी। उन्होंने कहा कि मेरा पक्ष है वो सुना जाना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष जो महेश जोशी है उनका हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अदालत ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया और आज शाम तक जो उनकी ओर से जवाब पेश किया जाएगा, उसके बाद में जो जवाब होगा उसकी कॉपी जो है संबंधित वकीलों तक पहुंचाई जाएगी और उसके बाद सोमवार सुबह 10 बजे बैठक जो सुनवाई है वो डिवीजन बेंच 1 में वापस से शुरू होगी। आपको बता दें कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी ओर से जो भी कार्रवाई है उसको फिलहाल रोक दिया गया है मंगलवार शाम को 5:30 बजे तक। कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सोमवार को सुबह 10 बजे सुनवाई शुरू होगी और ऐसे में हो सकता है कि एक लंबा समय जो है वो सुनवाई में लगे, तो ऐसी स्थिति में मंगलवार शाम 5:30 बजे तक नोटिस का जो जवाब है वो विधायकों की ओर से देने का, साथ ही जो कार्रवाई है उसको भी यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है मंगलवार शाम को 5:30 बजे तक, क्योंकि किसी भी तरह से विधायिका हो न्यायपालिका हो इन दोनों में टकराव ना हो। इसी स्थिति में जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने खुद ने भी इस चीज का समर्थन किया और उन्होंने भी कहा है कि मंगलवार शाम को शाम तक जो है किसी तरह की कोई नोटिसेस पे जो सुनवाई का है जो कार्रवाई उस पर किसी तरह की और अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी सोमवार तक वे जवाब दे सकेंगे। तो इसके साथ ही लगातार एसओजी की पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत है, अन्य जो नेता है उनका नाम सामने आ रहा है, भंवरलाल शर्मा जो कांग्रेस के विधायक है उनका नाम भी यहां पर सामने आ रहा है और कांग्रेस ने दावा किया है कि आवाज जो थी वो इन दोनों नेताओं की ही थी। संजय जैन को गिरफ्तार किया गया, संजय जैन से लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही पहले जो प्रकरण हुआ था अशोक सिंह चौहान जिसको गिरफ्तार किया गया था कुछ दिन पहले, 2 लोगों को भारतीय जनता पार्टी का बताते हुए गिरफ्तार किया गया। विधायक खरीद फरोख्त की जो पहली FIR दर्ज हुई थी उसमें अशोक सिंह चौहान की अर्जी है जमानत की, वो भी यहां पर खारिज हो चुकी है। तो ऐसे में लगातार जो शिकंजा है वो कसते जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा के और महेश जोशी जो मुख्य सचेतक हैं उनके खिलाफ एक मुकदमा जो है वो यहां दर्ज कराया जयपुर के अशोकनगर थाने में। और उसको दर्ज कराने के पीछे कारण बताया गया है कि गजेंद्र सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की ओर से वो बिल्कुल सही नहीं है और इन आरोपों का खंडन करते हुए, इन आरोपों को गलत बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर FIR दर्ज कराई है। इसके साथ ही राजस्थान में यदि कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक करीब 28,000 जो मामले हैं वो यहां पर सामने आ चुके हैं, करीब 28,000 का आंकड़ा यहां पहुंच चुका है। साथ ही एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं और 6,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस जो है वो राजस्थान में हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान में कोरोना की स्थिति वो भी पिछले एक हफ्ते में काफी गंभीर नजर आ रही है और ऐसी स्थिति में आप लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। जानकारी आपकी तरफ से दी गई है, एक तरफ कोरोना का संकट है जो कम होने का नाम ले नहीं रहा है, दूसरी तरफ सियासत भी गर्माती चली जा रही है और ऐसे में देखना होगा कि गहलोत सरकार आखिर इन तमाम मुद्दों के बीच किस तरह से सर्वाइव कर पाती है और आखिरकार सचिन पायलट अपनी स्थिति कब साफ करेंगे। बहरहाल सभी रिपोर्टर्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने राज्यों का हाल बताने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।